निजी कंपनियों के कर्मचारियों को मिलने वाली चिकित्सा सुविधा ईएसआई अस्पताल के डॉक्टरों की लेट लतीफी में फंसी हुई है। हालात यह है कि ईएसआई नंबर 3 पर ना तो समय पर डॉक्टर आते हैं ना ही स्टाफ। मरीज परेशान होकर के वापस लौट जाते हैं। रविवार को एसटीएन की टीम ने सुबह 9 बजे जाकर अस्पताल का रियलिटी चेक किया तो डॉक्टरों के कक्ष में ही ताले लटके हुए थे। मरीज कतार लगाकर खड़े हुए थे। मरीजों ने बताया कि यह हालत आज की नहीं रोज की है। कोई भी डॉक्टर ना ही स्टाफ समय पर आता है। वे निजी कंपनियों में काम करते हैं जहां से अवकाश लेकर यहां आते हैं, लेकिन यहां के स्टाफ के कारण परेशान होना पड़ता है। हालात तब मजेदार हुए जब यहां के प्रभारी डॉक्टर विजय लक्ष्मी इस बारे में अलग ही तरीके का तर्क देती है। उनका कहना है कि यहाँ पर 300 मरीजों का ओपीडी है। जब डॉक्टर देरी से जाते हैं तब कोई नहीं कहता, लेट आते हैं तो सब कहते हैं, यानी जैसे उन्हें देरी से आने का लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग ने दे रखा है। हालांकि सीएमएचओ डॉक्टर भूपेंद्र सिंह तंवर ने इस लापरवाहिता को गंभीरता से लिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच करवाई जाएगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल का जो समय है डॉक्टर व स्टाफ को उस पर आना ही पड़ेगा। देरी से रुकने का तर्क देकर के वे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। स्थिति तो वो तो जब भी आते हैं जब थोड़ा लेट आवर्स होता आती है। 8 बजे का टाइम है, 8:30 बजे तक या 9 बजे तक का मान लो आप। हाँ, फिर उसके बाद तो यहाँ आने के बाद भी कम से कम 1 घंटा तो पर्ची वर्ची बनाने में लग जाएगा। उसके बाद 4-5 जगह लाइन में लगना पड़ता है। डॉक्टर्स के पास जाओ, फिर दवाएं लो, फिर वापस रजिस्ट्रेशन करवाओ। काफ़ी समय हाँ ख़राब होता है। ये तो सही है, नाम बताया, लेकिन क्या करें, मजबूरी है सर। जैसे भी है, सरकारी लाभ उठाने के लिए कुछ करना भी पड़ता है। कंपनी कर रहे हैं इंतजार, सबके साथ में खड़ा हूँ। सबसे पहले एक मैडम आई, फिर मैं आया हूँ। अभी तक कोई नहीं आया मतलब? हाँ, सफाई वफाई कर रहे हैं जी, अभी तो कोई नहीं आया। 9 बजे के नाम ले रहे हैं जी। कहाँ से आया? मैं महावीर नगर पास्ट। बुखार जी जी। तो यहाँ पे डॉक्टर मिले नहीं? मिले अभी। क्या कहाँ जी? 9 बजे का टाइम है, 9:30 बजे तक आते हैं। रविवार तो आज से वैसे भी टाइम बहुत कम है।